इतने दिनों बाद अगले चैप्टर का टाइटल। वीर बैठ जाइए। श्रोता फिर भी वहीं खड़ी रहती है। फिर वीर आकर गाड़ी का गेट खोलता है और तब वो अंदर बैठती है। वीर गेट बंद कर ड्राइविंग सीट पर बैठता है और चारों निकल पड़ते हैं छतरपुर के लिए। इनके पीछे सारी गाड़ियां थी। श्रुति पर संजना को फोन करती है और थोड़ी देर बात करती है। रोहित, देख श्रुति वहां जाकर उनके संग मत हो जाना। श्रुति, देख वो मेरी बचपन की दोस्त है, तब तक लड़की वालों की तरफ से थी, अब लड़की वालों की तरफ हो जाऊंगी। राजीव, मतलब तू हमारे जूते चुराने में उनकी मदद करेगी? श्रुति, और नहीं तो क्या। रोहित, देख रहा है वीर, दोस्त दोस्त ना रहा। श्रुति, अब जो भी है ऐसा ही है। राजीव, कोई नहीं, हमारा वीर है ना, सब संभाल लेगा। श्रुति वो बनाते हुए, बड़े आए सब संभाल लेगा। रोहित, बस तू देखती जा अब वीर के कारनामे। श्रुति, वो तो देख ही रहा है, खुद को संभाल नहीं सकता और तुम्हारे जूते क्या संभालेगा। राजीव, तू चैलेंज कर रही है? श्रुति, हाँ। रोहित, देख ले आज तक वीर सिर्फ एक बार हारा है। श्रुति, तो आज दूसरी बार हारते हैं। रोहित, चल ये भी सही है, पहली बार तुझसे दिल की बाजी हार गया और आज। फिर वो चुप हो जाता है, जाने अनजाने में उसने पुरानी बातें बोल दी। श्रुति भी फिर चुप हो जाती है। कुछ देर बाद राजीव, यार आज हमारी शादी है, कुछ गिफ्ट मांगे तुमसे? श्रुति, बोल क्या चाहिए? राजीव, यार दोनों फिर एक हो जाओ। श्रुति कुछ नहीं बोलती। वीर, भाई शादी एंजॉय करना, इन खूबसूरत लम्हों को यूं बर्बाद ना होने दे मेरे भाई। रोहित, सही तो कह रहा है राजीव, हमारे लिए इससे बड़ा गिफ्ट नहीं हो सकता। वीर, मेरे भाई हम साथ ही तो हैं, काहे इतना सोच रहे बे दोनों। रोहित, साथ? दोनों सिर्फ खुश होने का दिखावा कर रहे हो, पता हमें भी है कि कितने खुश हो। वीर, देख हम वाकई में बहुत खुश हैं, तू अपने दिमाग से ना ये सारी बातें निकाल दे और हमें खुश रहने दे, है ना श्रुति? श्रुति, बिल्कुल, और दोनों को ये क्यों लगता है कि हम साथ नहीं है? हम कभी अलग हो ही नहीं थे और ना हम कभी होंगे, छोटी सी बात है। रोहित और राजीव दोनों को आंख फाड़ कर देखने लग जाते हैं। वीर, चल अब शक्ल सही कर ले, पहुंच गए हैं। दोनों फिर बाहर देखते हैं और गाड़ी से बाहर निकलते हैं। बाकी की बारात भी पहुंच चुकी थी तो दोनों एक बगी पर बैठते हैं और निकल पड़ते हैं शादी के वेन्यू के लिए। सब खुश थे और नाचते गाते सभी वेन्यू के पास पहुंचते हैं, जहां पर ओमवीर जी और श्याम जी सभी का फूल माला के साथ स्वागत करते हैं और वहां की कुछ रस्में निभा कर सभी अंदर जाते हैं। रोहित और राजीव दोनों स्टेज पर जाकर बैठ जाते हैं और उसके सारे दोस्त उसके पास खड़े होते हैं, बस वीर कहीं नजर नहीं आता। रोहित, श्रुति एक बार देख ले वीर कहां है और उसे बुला दे। श्रुति, ठीक है, बोलकर वीर को ढूंढते हुए बाहर आती है। वीर गाड़ी के बोनेट पर हैश काट कर उसे नाक से खींचता है और तभी उसकी नजर श्रुति पर जाती है और वो हड़बड़ाकर, वीर, श्रुति आप यहां? श्रुति उसके पास जाकर उसकी गाल पर एक दो तीन चार चार चांटे खींचकर मारती है। श्रुति आंखों में आंसू और ताली बजाते हुए, वाह वीर वाह, क्या सही काम कर रहे हो वीर, आखिर आपने वही किया ना जो आप चाहते थे, इतने मतलब ही कैसे हो सकते हो आप, मना किया था ना आपको फिर भी। वीर, श्रुति वो बस कभी कभार। श्रुति, छोड़िए हम आपसे ये सब क्यों कह रहे हैं, माफ कीजिएगा हम अपनी लिमिट से ज्यादा भूल गए, रोहित बुला रहा है आपको। और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। वीर उसे आवाज देता है पर वो नहीं रुकते, वीर भी उसके पीछे चल पड़ता है। स्टेज पर पहुंचकर वीर रोहित और राजीव से बातें करने लगता है। श्रुति साइड में खड़ी बस गुस्से में वीर को देखे जा रही थी। उसी वक्त संजना और प्रिया दोनों जयमाला के लिए आते हैं। आज के दिन दोनों किसी परी से कम नहीं लग रहे थे। श्रुति सभी के हाथ में माला पकड़ाती है। जब संजना और प्रिया दोनों के गले में माला डालने वाले होते हैं तो दोनों पीछे हट जाते हैं, दूसरी बार भी यही करते हैं। फिर राजीव और रोहित दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों घुटने के बल बैठ जाते हैं और संजना और प्रिया दोनों के गले में माला डाल देते हैं। पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंज जाता है। अब बारी इन दोनों की थी संजना और प्रिया को माला पहनाने की, पर दोनों पीछे हट जाते हैं, फिर दोबारा भी यही करते हैं। वीर, दोनों आप इन्हें और मत तड़पाओ यार। श्रुति, नहीं ये दोनों डिजर्व करते हैं। फिर तीसरी बार भी दोनों पीछे हट जाते हैं। श्रुति, आप चलिए हार गए, बेचारे की शक्ल देख, और सभी हंस पड़ते हैं इस बात पर। फिर दोनों आगे की तरफ आते हैं और राजीव और रोहित दोनों के गले में माला पहना देते हैं। फिर चारों वहीं लगी चेयर्स पर बैठ जाते हैं और बाकी सभी स्टेज से नीचे आ जाते हैं। ढेर सारे लोग बारी बारी से आकर दोनों को मुबारकबाद देते हैं और फोटोज खिंचवाते हैं। वीर, श्रुति सुनो ना। पर श्रुति वीर को अनदेखा करके बैंक्वेट हॉल में बने रूम की तरफ जाने लगती है, पर वीर बीच में उसका रास्ता रोक लेता है। श्रुति पीछे की तरफ होकर दीवार से लग जाती है और वीर उसको दोनों तरफ हाथों से घेरा बना लेता है। वीर, सॉरी ना यार, अब नहीं करूंगा ऐसा। श्रुति, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी करो। वीर, फर्क नहीं पड़ता तो ये जो चांटे मारे है ना, ये जो अभी तक दर्द दे रहा है ना, वो नहीं मारती। श्रुति,
तो ऐसा कहो ना कि ईगो हर्ट हो गया और उसका बदला लेने के लिए यूं रास्ता रोक रहे हो अकेले। वीर, अब जो समझना है समझ लो, पर सॉरी ना यार। श्रुति, ठीक है, बदला ही चाहिए ना, तो ये लो खड़ी हूं मैं, सामने जो करना है कर लो, या कहीं और चलूं, किसी रूम में, अगर चाहते भी तो यही थे ना आप, और जब चाहत पूरी नहीं हुई तो ये सब। वीर को ये सुनकर धक्का सा लगता है और वो तुरंत ही पीछे हट जाता है। वीर, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, और वहां से चला जाता है। वीर मन में, श्रुति ये नहीं बोलना चाहिए था आपको, आज तक हमेशा आप और आपकी इज्जत मेरे लिए सबसे ऊपर रही है, आज तक हमने कभी ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं की जिसकी वजह से हम आपसे नजरें ना मिला पाए, पर आपने आज गलत किया। और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो वहां से सीधे बार काउंटर की तरफ जाता है और वेटर से विस्की मंगवाता है, पर जब उसका दर्द कम नहीं हो रहा होता तो वो सीधे विस्की की बोतल लेकर उसे गले से नीचे उतारने लगता है और एक सांस में पूरी बोतल खाली कर देता है। फिर वहां से निकलकर बाहर गार्डन की तरफ आकर सिगरेट पीने लगता है। उसी बीच साक्षी का फोन आता है कि रोहित भैया उसे ढूंढ रहे हैं। वो वहां से वॉशरूम जाता है और वहां मुंह हाथ धोकर रोहित के पास जाता है। रोहित, कहां गायब हो जाता है बे, और ये तेरी आंख लाल क्यों हो रखी है? वीर, यार बाहर गया था किसी काम से, तो बस आंखों में धूल पड़ गई। रोहित, तेरा कुछ नहीं हो सकता। फिर तीनों वहीं कुछ देर बात करते हैं, तब तक कुछ लोग रोहित और राजीव को अपने साथ बाकी की कुछ रस्मों के लिए ले जाते हैं। वीर भी दोनों के साथ जाता है। वहां परीक्षण के वक्त लड़कियां कुछ मिट्टी से बने आकृति दिखाकर रोहित से पूछती है कि ये क्या है, तो वो जवाब देता है। पर राजीव को ज्यादा कुछ नहीं पता होता तो वीर उसकी मदद करता है। अम्मा, अरे उसे जवाब देने दे, तू क्यों बोल रहा है? तभी एक लड़की बोले, अरे पता नहीं संजना ने क्यों पसंद कर लिया इन्हें, इन्हें तो कुछ पता भी नहीं है, और बाकी उसके दोस्त खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। वीर, ये तो आप लोग अपनी सहेली से पूछ लीजिए क्यों पसंद किया है इन्हें। और अम्मा, जवाब कोई भी दे, शादी तो राजीव की होगी ना, तो क्या फर्क पड़ता है? दूसरी लड़की, लग रहा है गूंगा है लड़का। वीर, अब जहां पहले से इतनी कर्कश आवाज फैल रखी हो, वहां बेकार गला फाड़ कर क्या फायदा? एक लड़की, तो गला फाड़ने का ठेका इन्होंने ले रखा है। दूसरी लड़की, लग रहा है इनकी शादी नहीं हुई, तभी जुबान ज्यादा चल रही है, बाकी दोनों तो चुप हैं। वीर जी, शादी तो नहीं हुई, तो क्या ख्याल है आपका मेरे बारे में? लड़की, जागते हुए सपने देखने के शौकीन लग रहे हैं जनाब। वीर, अब सपना डरावना हो तो खुली आंखों से ही देखना चाहिए ना। अम्मा, अरे लड़कियों रहने दो बेटा, ये लोग मजाक कर रहे हैं, दिल पर मत लेना। वीर, अरे अम्मा कोई बात नहीं। और फिर तीनों वहां से अंदर स्टेज की तरफ आ जाते हैं। राजीव, भाई तू तो गजब है। वीर, चल भाई और कुछ नहीं बोलेगा तो बैंड बजा देंगे। रोहित, बहुत तेज है ये सब। वीर दोनों को वहां बिठाकर नीचे उतर आता है और राज अंकल से कुछ बातें करके बाहर की तरफ बने बार काउंटर की तरफ चला जाता है।